ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो। गुरु विना ज्ञान नथी, ज्ञान विना आत्मा नथी। ध्यान, ज्ञान, संयम अने कर्म बधुज गुरुनी भेट छे। गुरुनु नाम जपिए, गुरु ज्ञाननी खाण, मुश्किलीमांथी तारे उपाय जाणे राम बाण। पूज्य दादाना अहसासमां हूँ चैतानी लईने आवी रही छूं एक सत्यवाद, साक्षात्कार, सत्य किस्साओ आपनी समक्ष। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरेश्वरजी महाराजाना आशीर्वाद साथे संभळावा जई रही छु एक सत्य वात। आजे मारा पुण्योदय थी मने पोताने आश्चर्य उपजे छे। शांति थी विचारू छु तो एम थाय छे कि आवो मारो पुण्योदय। मारी आखी जिंदगी साव सामान्य वीती छे। जीवनमां विशिष्ट कहेवाय एवुं कंई करता कंई न मळे। साव सामान्य देखाव, साधारण बुद्धि अने सादगीपूर्ण जीवन। वर्षो सुधी एक जग्याए नौकरी करी, गद्धा वैतरू जेटलू काम करवानू अने पगार न गण्यो। धर्मपत्नीना गृह उद्योगोने सथवारे अमारू गाड़ू नभी गयू। आवी सामान्य जिंदगीमां असामान्य बनाव 70 वर्षनी उम्रे बन्यो। अमारा श्री संघमां परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री राजरत्न विजयजी महाराजानुं चातुर्मास थयुं। पुण्य योगे एमना परिचयमां आववानुं थयुं। एमना परिचयथी पूज्य बापजी दादाना परिचयमां आववानुं थयुं। मारा जीवननो आ सौथी मोटो पुण्योदय। संपूर्ण निवृत्त होवाथी पूज्य पन्यासजी भगवंतना प्रवचनमां रोज जवानुं थतुं। पूज्य गुरुदेवना प्रवचनो गमी गया, आंबेलनी वात गमी गई अने जीवनमां प्रथमवार शाश्वती ओड़ी आराधवानो भाव प्रगट थयो। पूज्य बापजी दादानी निश्रामां परम पूज्य पन्या श्री राजरत्न विजयजी महाराजाना श्री मुखे पचकाण स्वीकारीने जिंदगीनुं प्रथम आयंबिल कर्युं। आयंबिल मारी धारणा करता घणुं सारुं थयुं। बधी ज आराधनाओ साथे ओड़ी खूब शातापूर्वक थवा लागी। ओड़ीना त्रीजा दिवसे अचानक ज मने कमरनो दुखावो उपड्यो। अतिशय दुखावो थवाथी डॉक्टर पासे गयो। डॉक्टरे एक्सरे तथा एमआरआई करावानुं कह्युं। ते बन्नेना रिपोर्टमां एवुं आव्युं के बीजा त्रीजा अने चौथा मणकामां घसारो आव्यो छे। घसारो वधु पड़तो हतो एटले डॉक्टरे जणाव्युं के तमारे ऑपरेशन करावुं पड़शे। मारी आयंबिलनी ओड़ी चालू हती अने आ बधुं। मने पूज्य बापजी दादा उपर अपार विश्वास। ऑपरेशन करावा माटे मारी शारीरिक के मानसिक तैयारी नहती अने पैसाथी पण हूँ पहुंची वड़ू तेवुं नहतुं। मारा घरमां बिराजमान पूज्य बापजी दादानी मूर्ति सन्मुख प्रभाविक मंत्रना जाप करीने मैं पूज्य दादाने जणाव्युं, दादा मारी नाव आपने सौंपी छे, आपे तेने पार लगाववानी छे। मारो आपना उपर दृढ़ विश्वास छे कि आपनी कृपाथी मने सारू ज थशे। आ बधुं चालतुं हतुं अने गुरुवार आव्यो। दर गुरुवारे समाधि तीर्थ जमालपुर हूँ 5 कलाक सेवा आपुं छुं। डॉक्टरनी स्पष्ट ना हती कि तमारे वधुमां वधु आराम करवानो, लांबा समय सुधी बेसवानो कि उभा रहेवानो नहीं। डॉक्टरनी वातने गणकार्या वगर मैं पूरा भावथी दादानी सेवा करी। તમે માનશો મને કમરનો ભયંકર દુખાવો થતો હતો, નીચે વડાય નહીં, વજન ઉચકાય નહીં, જમીન ઉપર બેસાય નહીં, લાંબો સમય સુવાય પણ નહીં। આ બધી જ તકલીફોનું સમાધાન એક ગુરુવારની સેવાથી મળી ગયું। આજે તે વાતને 1 વર્ષ થઈ ગયું। ઓપરેશનની વાત તો બહુ દૂર છે, ડૉક્ટરની કોઈ દવા પણ મેં ખાધી નથી। ડૉક્ટરોના પણ ડૉક્ટર પૂજ્ય દાદાની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી અને અત્યંત સ્વસ્થતા સાથે જીવન જીવી રહ્યો છું। મારા અનુભવથી
એટલું જણાવવા માંગુ છું કે શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજ્ય બાપજી દાદાના ચરણોમાં મસ્તક મુકાય તો બેડો પાર થયે જ છૂટકો. બોલો, આચાર્ય ભગવંત શ્રી સિદ્ધિસુરેશ્વરજી મહારાજાની જય. હું એટલું જ કહીશ કે દાદાનો પુણ્ય પ્રભાવ એવો છે કે જે સંસારથી વૈરાગ્ય તો પમાડે છે, પણ જ્યાં સુધી સંસારમાં હોવ ત્યાં સુધી તમે સંસારમાં પણ સ્વસ્થ રહી શકો છો એવો પ્રભાવિક પ્રભાવની અનુભૂતિ થાય છે. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી સિદ્ધિસુરેશ્વરજી દાદાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ.